मीरा बालम थानेदार में दृष्टि एक के बाद एक चाल चल रही है ताकि बुलबुल की जिंदगी तबाह हो सके। पहले मुंह दिखाई पे उसने बुलबुल के ससुराल वालों की इंसल्ट की, फिर बुलबुल से घर की चाबियां जबरदस्ती हत्याने की कोशिश की। अब तो दृष्टि ने बुलबुल और वीर के रूम में ताका झांकी भी करनी शुरू कर दी है ताकि बुलबुल और वीर के रोमांस को डिस्टर्ब कर सके। वैसे दृष्टि का क्लियर इंटेंशन क्या है? क्या वो सिर्फ बुलबुल को वीर की जिंदगी से निकालने आई है या फिर उसके इरादे और भी ज्यादा खतरनाक है? ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल तो दृष्टि की हरकतों से यही समझ आ रहा है कि वो किसी भी तरह बुलबुल को उसके ससुराल से बेदखल करना चाहती है। वो चाहती है कि वीर और बुलबुल का रिश्ता टूट जाए। तभी तो उसने पूरे परिवार के सामने बुलबुल पे ये इल्जाम लगाया कि बुलबुल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कि कैसे वो वीर को धोखा दे रही है। हालांकि दृष्टि की ये चाल उल्टी पड़ गई जब बुलबुल ने घर वालों को बताया कि जिस लड़के से वो मिलने गई थी वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जेन थे, जिन्होंने बुलबुल को ये भरोसा दिलाया कि वानी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वेल, दृष्टि यहाँ तो हार मान गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो और चाल नहीं चलेंगी। आने वाले एपिसोड में आप एक बार फिर से देखेंगे कि कैसे दृष्टि बुलबुल और वीर को अलग करने की कोशिश करेगी। शो में बहुत जल्द होगा एक फेस्टिवल सेलिब्रेशन, जिसके दौरान एक बार फिर से दृष्टि कोशिश करेगी कि वो वीर और बुलबुल को अलग कर सके। दरअसल इस सेलिब्रेशन के दौरान दृष्टि जानबूझ के कुछ ऐसे करेगी जिससे बुलबुल और वीर दोनों मिलके वो पूजा नहीं कर पाएंगे। अब एग्जैक्टली दृष्टि क्या करेगी और किस तरह से बुलबुल और वीर को अलग करने की कोशिश करेगी, ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चल पाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि दृष्टि की चालें आखिरकार कब कामयाब होगी और आखिरकार क्या है दृष्टि का सही मकसद इस घर में वापस लौटने का। बॉलीवुड और टेलीविजन की एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए फिल्मी बीट को और हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलें।